फ्लोरल फ्रेग्रेंस है, आपके दिमाग में एक पिक्चर आ रहा होगा कि लाइक वॉकिंग इन अ गार्डन. नो, इट्स नॉट लाइक दैट काइंड ऑफ फ्लोरल. आई जस्ट लव दिस फ्रेग्रेंस सो मच. इसका ना जो इंटेंस वेरिएंट है ना, अरमानी सी इंटेंस, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, द ब्लैक है, बॉटल. दिस लेकिन इज वो उसमें जो खट्टापन है ना, वो स्ट्रॉबेरी एंड ग्रेपफ्रूट के फ्रेग्रेंस से आता है. हेलो मेरे प्लैटिनम प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी चैनल ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल पर. फ्रेंड्स, मैंने प्लैटिनम परफ्यूम्स के ऊपर एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था, राइट? तो मैंने प्लैटिनम परफ्यूम से वापस कुछ अमेजिंग परफ्यूम्स ऑर्डर किए हैं, 5. ओके, और इस बार मैंने बहुत ही ज़्यादा हाई एंड लग्जूरियस प्रीमियम फ्रेग्रेंसेस के इंस्पायर्ड वेरिएंट्स मंगवाए हैं. सो आज के वीडियो में उसी के बारे में बात होने वाली है. सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. स्टार्ट करने से ओके पहले स्टार्ट. फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि प्लैटिनम परफ्यूम एक परफ्यूम हाउस है, जो मुझे पता चला इंस्टाग्राम से. सो उनकी इंस्टाग्राम की लिंक मैं आपको दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आई हैव टेकन 5-10 ml के वेरियंट्स. और आपको पता ही है कि मैं 10 ml क्यों लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी ट्रेवल फ्रेंडली होते हैं. एंड यू नो, यू कैन जस्ट टेस्ट इट आउट. अगर आपको वो फ्रेग्रेंस अच्छी लगे तो फिर आप बड़ी बॉटल में डेफिनेटली जा सकते हो. उनके पास 30 ml इज ऑल्सो अवेलेबल एंड 50 ml भी अवेलेबल है. प्राइसिंग मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दे दूंगी उनकी क्या प्राइसिंग है. एंड मैं और भी एक चीज़ बता दूँ, प्राइसिंग डिटेल से मुझे और एक बात याद आई कि मैंने उनका पेज जब देखा था ना, तो ऑफर्स तो वो बहुत सारे निकालते हैं. तो आप उनके ना स्टोरीज में चेक कर सकते हो, लाइक यू नो दे हैव कॉम्बोज एंड बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पे. आपको पूरा एक कॉम्बो अगर लेना है, मैन एंड वुमेन का कॉम्बो या ऐसा, बहुत सारे नए नए ऑफर्स के साथ आता है, तो उनका पेज जरूर चेक करते रहना. ओके, तो अब बात करते हैं परफ्यूम्स के बारे में. तो आप देख सकते हैं मेरे पास टोटल 5 परफ्यूम्स है जिसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ. लेट मी टेल यू, इस बार जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है काफी अच्छा रहा है, क्योंकि 5ों फ्रेग्रेंस मुझे बहुत अच्छी लगी है. सो कोई भी ऑर्डर में नहीं जाऊंगी, जो मेरे हाथ में आएगी उसी से मैं स्टार्ट करूंगी. ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ. सबसे पहले पाको रबान का मैंने फेम इंस्पायर्ड वेरियंट मंगवाया है, जो इस तरह की पैकेजिंग में आया है. बहुत ही क्यूट लगी मुझे इस बार इसकी 10 ml की पैकेजिंग. पिक मैं ना ओरिजिनल का यहाँ पे आपको दे दूंगी, ठीक है? दिस इज पाको रबान्स फेम. एंड लेट मी जस्ट स्प्रे इट ओवर योर. आई एब्सोल्युटली लव दिस फ्रेग्रेंस फ्रेंड्स. लेट मी टेल यू, बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंस है. दिस वन इज लाइक यू नो ट्रॉपिकल सेंट है. इसके अंदर वो स्वीट नोट से स्टार्ट होता है, देन यू हैव लाइक लिटिल वाइट फ्लोरल्स इन इट. एंड इसके अंदर वो फ्रेश स्पाइसीनेस आती है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है परफ्यूम में. अ परफ्यूम विच इज़ लाइक फ्रेश ऑल्सो, स्वीट ऑल्सो एंड स्पाइसी ऑल्सो. इसके अंदर वनीला नोट भी है, जो बहुत ही अच्छे से कैप्चर हुआ है. तो 5ों में से अगर मैं आपको पिक करने कहूँ, तो फेम इज द वन आई शुड डेफिनेटली टेल यू गाइज टू पिक इट अप फ्रॉम दिस प्लेटिनम परफ्यूम. स्वीटनेस है ना, आई थिंक वो मैंगो की वजह से है. इसके अंदर मुझे मैंगो का फ्लेवर आता है, विच इज सो गुड. लाइक यू नो, स्वीटनेस से स्टार्ट होता है, फिर वो फ्रेश हो जाता है, एंड देन जस्ट मिड में आपको ना फ्लोरल्स आ जाते हैं. इमीजिएटली टेक्स ओवर विद वाइट फ्लोरल्स. साथ ही साथ वो अपने बेस की तरफ जाता है, जब उसके अंदर वनीला सैंडलवुड जैसे नोट्स आ रहे हैं. इट्स सो ट्रॉपिकल, इट्स समर में. बेसिकली फेम मेरे हिसाब से एक परफेक्ट फीमेल फ्रेग्रेंस है, जो आप मुझे लगता है एक सेलिब्रेशन, फेस्टिवल्स या कहीं आप पार्टी में गए हो तो वेयर कर सकते हो, बहुत ही अच्छी लगेगी. फॉर मी इट्स लाइक या नाम के साथ पूरा जस्टिस करता है. वेन एवर यू विल स्प्रे दिस, लाइक यू नो एक फेमस पर्सनैलिटी जैसी फ्रेग्रेंस है इसके अंदर, सम वाइब्स आर देयर. एंड सेलिब्रेशन या पार्टीज के लिए बहुत ही एप्ट रहेगी ये फ्रेग्रेंस. बात करें सेकेंड जो मैंने लिया है, वो है डेजी. दिस इज मार्क जेकब्स डेजी. उसका पिक मैं यहाँ पे आपको दे दूंगी. ये वाली है ना परफेक्ट, मेरे जो सब्सक्राइबर्स है जो कहते हैं एक परफेक्ट फ्लोरल फ्रेग्रेंस बताओ. सो ये है एक परफेक्ट फ्लोरल फ्रेग्रेंस, परफेक्ट फॉर समर एंड स्प्रिंग. लाइक यू नो, ये फ्रेग्रेंस को मैं एसोसिएट करती हूँ डायरेक्टली टू समर्स. अगर हॉट क्लाइमेट है, यू शुड डेफिनेटली स्प्रे दिस, आपका मूड बन जाएगा. ये एक डे सेंट है डेफिनेटली, आप इसे इसे रात को नहीं डाल के जा सकते हो. बहुत ही ज्यादा फ्रेश है, फ्रेश सिट्रस एक्वेटिक फ्रेग्रेंस विद लिटिल बिट ऑफ वुडी एंड मस्की टुवर्ड्स द एंड. हाँ, कि एक फ्लोरल फ्रेग्रेंस है, डू नॉट कंसिडर दैट टिपिकल फ्लोरल फ्रेग्रेंस फ्रेंड्स. बहुत ही हाई एंड फ्लोरल्स इसके अंदर कैप्चर किए गए हैं. यू हैव वायलेट लीफ, यू हैव वायलेट्स इन इट. ओके, दैट काइंड ऑफ फ्लोरल फ्रेग्रेंस इट इज, एंड दैट्स वाई इसने मुझे इतना कैप्टिवेट किया हुआ है. हाँ, जो मैंने कहा कि वो एक सिट्रसनेस आ रहा है ना, वो स्ट्रॉबेरी एंड ग्रेप फ्रूट की वजह से है. आप उसको महसूस करते हो ना, तो आपको वो ग्रेप फ्रूट एंड स्ट्रॉबेरी जैसा महसूस नहीं होता है, आपको वो सिट्रस जैसा महसूस होता है. इसके अंदर गार्डेनिया है, फ्लावर की खुशबू, वायलेट्स है, हल्का बहुत जैस्मिन है, नॉट वेरी प्रोमिनेंट. या मस्की वुडी हो जाती है टुवर्ड्स दी एंड. ही कमाल की फ्रेग्रेंस है फ्रेंड्स. इफ यू लव फ्लोरल्स, फ्लोरल परफ्यूम आपका वीकनेस है, तो डेजी डेफिनेटली ट्राई करना. दिस परफ्यूम ना मैं कहूँ, एक टीनेजर से लेके एक मेच्योर लेडी सभी को पसंद आएगी. बस आपको फ्लोरल नोट्स पसंद होने चाहिए,
दिस इज द वन फॉर यू। नेक्स्ट वन जो मैंने ली है वो है अरमानी की सी पैशन, ठीक है। पिक यहाँ पे आपको दे दूंगी बॉटल का जो उसका ओरिजिनल है, और ये एक फ्रूटी फ्लोरल फ्रेग्रेंस है, इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं। एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जो आप हर सीजन में वेयर कर सकते हो, हर टाइम वेयर कर सकते हो, लाइक ये डे में भी आप यूज कर सकते हो, आप नाइट में भी वेयर कर सकते हो, ऐसी फ्रेग्रेंस है। इसके जो टॉप नोट्स हैं बहुत ही ज्यादा जूसी फ्रूटी नोट से स्टार्ट होता है, एक ब्लास्ट ऑफ यू नो ब्लैक करंट बेरीज एंड बर्गामॉट से स्टार्ट होता है, सो इट्स लाइक फ्रूटी स्टार्ट। और मैं आपको कह दूं फ्रेंड्स कि ये जो परफ्यूम है बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हाई एंड परफ्यूम है, उसका ये इंस्पायर्ड है, सो यू गेट दैट काइंड ऑफ वाइब्स। एंड आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस फ्रेंड्स, बिल्डिंग में ना थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यू विल हैव टू बेयर विद द नॉइज। जैसे मैंने कहा इसका जो फ्रूटी स्टार्ट है वो तो हो गया, फ्रूटी स्टार्ट एंड तक बना रहता है, मिड में आपको थोड़ा सा रोज का फ्रेग्रेंस आएगा इसके अंदर जो बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर हुआ है, एंड आई थिंक दैट इज दैट ब्यूटीफुल पिंक रोज, बहुत ही प्यारा रोज कैप्चर हुआ है फ्रेंड्स। आई रियली रियली लाइक दैट फ्लोरल एलिमेंट इन बिटवीन, देन इट एंड्स एट वाइट मस्क इन वनीला। तो बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस है, डेलिकेट फेमिनाइन सेंट है, आप इसे अच्छे से आपके ऑफिस में भी कैरी करके जा सकते हो, एवरीडे सेंट बना सकते हो, वैसी है, एंड इवनिंग में भी आप इसे वेयर करके जा सकते हो। इट हैज़ दैट वनीला एंड दैट वाइट मस्क ना, तो इसको थोड़ा सा सिडक्टिव भी बनाता है, सो अगर आपको एक फ्रूटी सिडक्टिव फ्रेग्रेंस पसंद है, दैट इज़ योर काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस यू लाइक, तो आपको ये अरमानी का सी पैशन जरूर ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट वन फ्रेंड्स मैंने लिया है ये गुची फ्लोरा गॉर्जियस गार्डेनिया, इसकी बॉटल की पिक मैं यहाँ पे आपको दे दूंगी। फ्रेंड्स गुची फ्लोरा में ना बहुत सारे वेरिएंट्स है, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वेरिएंट की मैं बात कर रही हूँ, और मैं इसे स्प्रे कर देती हूँ। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ पांचों में से ये एक ही फ्रेग्रेंस है जो मुझे कॉम्प्लेक्स लगी है, ठीक है, बहुत ही ईजी नहीं है इसको डिस्क्राइब करना। दिस इज द ओनली सेंट विच आई फेल्ट लाइक यू नो बहुत ही ज्यादा सुपीरियर क्वालिटी की है, टेलिंग यू ना इस बार मुझे पांचों बहुत ही अच्छी लगी है। अब बात करते हैं गॉर्जियस गार्डेनिया गुची फ्लोरा, सो इसके जो नोट्स है ना ये स्टार्ट होते हैं जूसी नोट से, ओके। तो जूसीनेस जो है वो कौन से नोट से है, जैसे रेड बेरीज हो गया, पियर ब्लॉसम हो गया, मैंडरिन है, ऐसे टाइप के फ्रूटी नोट से स्टार्ट होता है, सो थोड़ा स्वीट भी है, थोड़ा सा सिट्रस भी है, लेकिन फ्रूटी स्टार्ट है इसका। आई होप आई कैन एक्सप्लेन यू प्रॉपरली, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी लगी है फ्रेग्रेंस, स्टार्ट से लेके ये पूरा घूमती है ये फ्रेग्रेंस, मैं आपको कहूँ मिड में ना ये जाती है टूवर्ड्स लिटिल सिट्रस एंड फ्लोरल, ठीक है। तो सिट्रस में आपको मिल जाता है जैस्मिन है, गार्डेनिया है, ओ माय गॉड इट्स सो गुड, एंड इट हैज़ माय फेवरेट फ्लावर फ्रेंजिपनी, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, लाइक मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती। फ्लावर का पिक मैं यहाँ पे आपको दे दूंगी, ये मेरा एब्सोल्युटली फेवरेट फ्लावर है, और इतनी ब्यूटिफुली इस फ्रेग्रेंस में से कैप्चर किया हुआ है, ओ माय गॉड आई जस्ट लव इट। टॉप नोट जो मैंने आपको बताई फ्रूटी स्टार्ट है, उसका सिट्रसनेस नीचे जाता है मिड में और मिक्स हो जाता है विद फ्लोरल्स। इसके बेस में मुझे थोड़ा सा वो ना इलेक्ट्रॉनिक वाला फील आ रहा है, जैसे कि ब्राउन शुगर या कैरेमल हो, कैरेमलाइज्ड शुगर हो, ऐसा कुछ एक नोट आता है, एंड साथ में मिक्स है विद पचोली। ओ माय गॉड ये इतनी कॉम्प्लेक्स सेंट है फ्रेंड्स, मतलब कि ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है आई थिंक सेलिब्रिटीज वेयर, सेलिब्रिटी की फेवरेट फ्रेग्रेंस है ये गुची फ्लोरा गॉर्जियस गार्डेनिया, एंड इट्स सो गुड, सो सो गुड। इफ यू वॉन्ट टू ट्राई दिस 10 ml फर्स्ट, डेफिनेटली मैं आपको कहूंगी 10 ml ट्राई करो, आपको पता चलेगा मैं क्या कह रही हूँ। सिडक्टिव भी है, मतलब कैरिज्मेटिक है, और आसपास जरूर आपको लोग पूछेंगे कि आपने क्या वेयर किया है। लास्ट वन है वनीला 28 कयाली का, ऐसी फ्रेग्रेंस है फ्रेंड्स जो स्वीट फ्रेग्रेंस लवर्स या फिर गॉरमांड लवर्स जो हैं उनके लिए है, बहुत ही अमेजिंग नाम के साथ जाती है, वनीला 28 इसका नाम है। और जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम स्प्रे किया था ना फ्रेंड्स, आई जस्ट फेल्ट के लाइक हाँ एक सिंपल वनीला फ्रेग्रेंस है, बट नहीं फ्रेंड्स इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डेप्थ है, इसके जो नोट्स हैं काफ़ी अमेजिंग नोट्स हैं। स्टार्ट ऑफ कोर्स वनीला ऑर्किड से होता है, सो इमीडिएटली जैसे आप स्प्रे करते हो आपको वनीला तो मिलता ही है, साथ में फ्लोरल में थोड़ा सा जैस्मिन डाला गया है इसको बैलेंस करने के लिए, एंड देन मिड में आपको एम्बर ब्राउन शुगर टोका बीन्स ऐसे नोट्स मिल जाते हैं, सो वनीला के साथ ये पूरा एक गॉरमान फ्रेग्रेंस बनता है। इफ़ यू लव टोका बीन्स, इफ़ यू लव ब्राउन शुगर कैरमिल ऐसे नोट्स अगर आपको पसंद है तो इसको डेफिनेटली पिकअप करना। आई नो पीपल रेव अबाउट दिस फ्रेग्रेंस, जिनको स्वीट फ्रेग्रेंस लाइक माउथ वाटरिंग स्वीट फ्रेग्रेंसेस पसंद है उन्होंने डेफिनेटली कयाली के वनीला 28 के बारे में बात करी हुई है, एंड आई कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड क्यों लोग इतने दीवाने हो जाते हैं इस फ्रेग्रेंस के।
एंड इसके अंदर ना स्पाइसीनेस भी है, मस्कीनेस भी है, वुडीनेस भी है। स्टार्ट से एंड तक एक लीनियर फ्रेग्रेंस आपको मिलती है, आपको बहुत ज्यादा डेप्थ मिलता है इस फ्रेग्रेंस में। मैं इसे डेफिनेटली लेयरिंग में यूज करने वाली हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी है ये फ्रेग्रेंस। एंड लेट मी टेल यू दैट ये अगर मैं अलोन वेयर करूंगी तो डेफिनेटली विंटर में या फिर रात को ही वेयर कर सकती हूँ। अगर मुझे दिन में इसे वेयर करना है तो डेफिनेटली मुझे लेयरिंग में इसे यूज करना होगा। सो दिस वॉज माई टेक ऑन द 5 फ्रेग्रेंसेज फ्रॉम प्लैटिनम परफ्यूम्स। मैंने आपको इन डिटेल में समझा दिया है, आई थिंक आपके चॉइस के हिसाब से आप शॉप करो, बट मुझे जो 5 मिली है ना, मैं इतनी ज्यादा इस बार खुश थी ना कि आई रियली वॉन्टेड टू शेयर विथ यू गाइज। इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे पहले टाइम से, अब इनकी क्वालिटी और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगी, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बताया। सो आई थिंक कुडोज टू दिस ब्रांड प्लैटिनम परफ्यूम, जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, हमें इतने रीजनेबल प्राइस पे एक बहुत ही लग्जूरियस परफ्यूम को एक्सपीरियंस करने का मौका दे रहे हैं। सो या दैट वॉज इट फॉर द वीडियो फ्रेंड्स। आपको आज की वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेक श्योर कि आपको करना है लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, एंड ऑल्सो मेक श्योर अभी तक अगर मेरे फैमिली के साथ जुड़े नहीं हो, सब्सक्राइब का बटन अभी भी रेड दिख रहा है ना, तो उसे हिट कर दो, फैमिली में ज्वाइन हो जाओ, एंड साथ ही में छोटी सी बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलती हूँ सुपर सून अपने अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखना और हमेशा हंसते रहना।